हेलो एवरीवन, आज हम आपको बताएंगे कि आप घर बैठे जो कि प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना है उसका जो CKYC करना है, आपका आधार कार्ड वेरीफाई करना है, लिंक करना है उससे ऑनलाइन, उसके लिए आप घर बैठे कर सकते हैं अपने सिंपल एंड्रॉयड फ़ोन से सिर्फ 1 मिनट में। KYC क्या होता है? जैसे कि आपका आधार कार्ड के साथ आपका मोबाइल नंबर अटैच चाहिए। जब आप अपना PM किसान की साइट पर जाकर अपना आधार कार्ड डालेंगे, उसके बाद आपका मोबाइल नंबर डालेंगे, उसके बाद एक OTP आएगा, जो भी आपका आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर है लिंक है उस पर OTP आएगा, वो OTP आप वहाँ फिल करेंगे, उसके बाद आपका CKYC हो जाएगा। इसके पहले आपने क्या करना है, जो कि आपको गूगल पर दिख रहा है, आपने सर्च करना है PM किसान GOV.in। जी आपको दिख रहा है ना जी, गूगल में आपने जे सर्च करना है PM किसान GOV.in। उसके बाद क्या करना है आपके सामने, आप सर्च करेंगे जे साइट खुलेगी इस तरह की, आपने जो जे PM किसान लिखा देख रहा है इस पर क्लिक करना है। इस पर हम क्लिक करेंगे, जे देखिए PM किसान की जो साइट है वो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपने इसको स्क्रॉल करना है, थोड़ा नीचे जाना है, इसको ऐसे स्क्रॉल करना है। नीचे जाने के बाद आपके सामने ये इस तरह का आ जाएगा इंटरफेस, नीचे जाना है। उसके बाद आपको जे देख रहा होगा EKYC, आपको मैं अभी दिखाता हूँ, जे आपको दिख रहा होगा, जे जो है EKYC लिखा हुआ दिख रहा है ना आपको न्यू, इस पे आप सर्च करके KYC कर सकते हैं अपनी। उससे पहले अगर आपका इस साइट में आपने लिंक नहीं किया है, अभी तक अपना अकाउंट नहीं बनाया, तो जे आपको देख रहा होगा न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन, आप इस पर क्लिक करके पहले आप अपना अकाउंट बना लीजिए अगर आपका अकाउंट नहीं बना है। ये जो लिखा है न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन, आप इस पर क्लिक करके अपना पहले अकाउंट बना लीजिए अगर नहीं है। अगर आपका पहले अकाउंट बना हुआ है तो आप इस EKYC पर क्लिक करेंगे, इस पर ऊपर हम क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पोर्टल खुलेगा इसका। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है मगर आपको आज इसके बाद और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा ये देखिए इस तरह का आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। ये देखिए आधार OTP EKYC आपको दिख रहा है ना, ये आधार OTP KYC दिख रहा है ना भाई। आपने क्या करना है, जहाँ जे आधार कार्ड का नंबर डालना है अपना, आपका जो भी आधार कार्ड नंबर है वो इसमें डालना है, उसके बाद सर्च करना है। सर्च करने के बाद क्या होगा, ये आगे प्रोसेस होगा, आगे प्रोसेस होने के बाद आपका मोबाइल नंबर मांगेगा, मोबाइल नंबर आपके आपने भर कर आपका KYC हो जाएगा। उसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। KYC करने की यही 31 मई है डेट, 31 मई से पहले आपका आधार कार्ड KYC आपने इस PM किसान योजना की जो है इसकी साइट पर जाकर अपना KYC कर लेना है। उसके बाद जो 2000 रुपये आता है उसमें आने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपको जो हमारी वीडियो कैसी लगी, जहाँ आपने आधार KYC ऑनलाइन जाके किया है, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि कि इसका हर कोई बेनिफिट ले सके। जो इस साइट का लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में इसकी साइट के लिंक पे भी क्लिक करके वहां जा सकते हो। इंस्टाग्राम पर हमें ज़रूर फॉलो करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।